नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप लोगों ने जरूर से जरूर देखे होंगे 7 फीट के हाइट में जब हम लोग लिंटल बीम देते हैं तो उसका साइज को लेकर के कुछ लिंटल बीम का साइज 4 इंची बाय 6 इंची रहता है, कुछ लिंटल बीम का साइज 9 इंची बाय 6 इंची रहता है, कुछ लिंटल बीम का साइज 9 इंची बाय 9 इंची रहता है और कुछ लिंटल बीम का साइज 9 इंची बाय 12 इंची रहता है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि भाई एक ही लेवल में जब हम लोग लिंटल बीम देते हैं तो उसका अलग अलग साइज क्यों दे रहे हैं। लिंटल बीम का काम क्या है कि भाई ये दरवाजा खिड़की के ऊपर जो ब्रिक हो वर्क होगा उसके लोड को वो ले सके, उसके ऊपर हम ईट जुनाई कर सके जो, और साथ ही जो है जो हम लोग खिड़की के ऊपर सनसेट देते हैं, रूम में छज्जा देते हैं, चाहे स्टोर में बाथरूम के ऊपर स्टोर बनाते हैं, उन सब चीज में ये उस लोड को कैरी कर सके। और साथ ही जो है, और अगर हम ये बात करें कि भाई लिंटल बीम का काम क्या है कि जब जब पार्किंग एरिया में हम लोग जो है बड़ा सा एरिया होता है तो वहां पे लिंटल बीम हम लोग देते हैं और उसके नीचे वाल नहीं रहता। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लिंटल वाल के ऊपर आ रहा है उसका साइज बताएंगे और जो लिंटल वाल के ऊपर नहीं आ रहा है हम उसकी साइज बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब यहां हम बात करते हैं लिंटल बीम को लेकर के। जब भी कभी हम पहले हम बात करते हैं 4 इंची × 6 इंची वाला साइज, जो कि ये कहां लगता है आपका इनर वाल में, इनर वाल वाल के ऊपर लगता है। इसकी अगर हम डिटेल की बात करें तो 4 पीस सरिया लगेगा 10 mm का, ठीक है। रिंग जो रहेगा 8 mm का, 6 इंची सेंटर रहेगा। यहां तक तो क्लियर है। दूसरा जो लिंटल बीम का है, ये जो साइज हम बता रहे हैं कुछ इस तरीके से 4 इंची ये हो गया और 6 इंची डेप्थ हो गया इस तरह से। फिर तीसरा रहेगा, दूसरा रहेगा 9 इंची बाय 6 इंची का, ये आउटर वाल जितना है और इसमें भी 4 पीस × 10 mm। ये सब में क्या होगा, ऑन वाल जो लिंटल बीम दीवार के ऊपर हो उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा एक कंडीशन आ जाता है क्या कि अगर ये जो साइज हम बता रहा हूं 9 इंची बाय 9 इंची का, और ये ज्यादातर कहां होता है पार्किंग एरिया में, पार्किंग एरिया जिधर जिधर नीचे वाल नहीं रहता है, ठीक है। और ये जो लेंथ है कॉलम टू कॉलम लेंथ, ये आपका 10 से 15 फीट तक अगर है, ठीक है, तब जाकर के ये होगा। और यहाँ पे 4 पीस × 12 mm का सरिया लगेगा, ठीक है। चौथा 9 इंची बाय 12 इंची की बात करें, अगर ये 15 फीट से ज्यादा स्पैन है, ठीक, तब जाकर के टॉप में 2 पीस × 12 का टॉप में सरिया लगेगा और बॉटम में 2 पीस × 16 का सरिया। तो अभी जब आप देखे वो, और एक हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये आपका 15 फीट प्लस जो है स्पैन, तो इस जगह पे जो है लिंटल बीम का जो साइज दिया गया है वो 9 इंची बाय 12 इंची का दिया गया, जिसमें जो है 2 पीस 16 बॉटम में और 2 पीस 12 टॉप में, और इसके ऊपर उतना ईट चिनाई नहीं होगा। और ये कहाँ होता है पार्किंग एरिया में, यानी जहां जहां पे 12 गेट लगाते हैं। अदरवाइज और सब भी अगर आप यहां देखेंगे बिल्डिंग का, और सबका जो लिंटल बीम का जो साइज है वो जो बाहरी का है वो 9 इंची में, थिकनेस उसका 6 इंची है, और थिकनेस देखिए खिड़की के पास जो 6 इंची थिकनेस दिख रहा होगा, लेकिन जो पार्किंग वाला में यहाँ पे 9 इंची बाय 12 इंची दिख रहा है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है नीचे वाल नहीं है और स्पैन भी ज्यादा है। तो ऐसा ना गलती कर दीजिए कि भाई कि अगर 15 फीट से ज्यादा स्पैन है तो वहां पे भी आप लिंटल बीम का साइज जो है 9 इंची बाय 6 इंची कर दे, क्योंकि मैंने बहुत ऐसी जगह देखा है जहां पे लिंटल बीम का साइज 9 इंची बाय 6 इंची कर दे, नीचे वाल नहीं है, वो क्या होता है लिंटल बीम थोड़ा बैंड हो जाता है और उसमें क्रैक भी डेवलप हो जाता है।
तो इसलिए इन सब चीजों का आपको ध्यान में लेकर चलना है जब भी कभी आप अपना सपनों का घर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया ना, लिंटल बीम कौन सा, लिंटल बीम कहाँ देना है, कितना सरिया देना है, क्या साइज रहेगा, सब कुछ क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल वर्क सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को न्याय अपडेट लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।